तो हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। तो आज हम खेलने वाले हैं दी अनचार्टेड 4 और ये हमारी अनचार्टेड सीरीज गेम का पहला पार्ट होने वाला है। और आज इस गेम में आपको देखने को मिलेगा गेमिंग हिस्ट्री के सबसे बढ़िया एक्शन सीक्वेंस। तो गेम को शुरू करने से पहले मैं आपको ये स्टोरी बता दूं कि यहाँ पे भाई चल क्या रहा है। तो यहाँ पे नैथन को पता चला है कि भाई सैम के पीछे ना रैफ के यहाँ पे कुछ गुंडे उसके पीछे लगे हुए हैं उसको मारने के लिए। तो हमें यहाँ पे सैम को बचाने के लिए यहाँ पे जाना होगा। तो फटाफट से हम यहाँ पे निकलते हैं भाई, इससे पहले कि यहाँ पे वो रैफ के गुंडे सैम को पकड़ ले और उसको यहाँ पे मार दे। तो हमें यहाँ पे बिना भी टाइम वेस्ट करे फटाफट से उसके पास जाना होगा। पहले हम यहाँ से भाई बाहर निकलते हैं और बाहर जाके देखते हैं भाई बाहर क्या यहाँ पे सीन चल रहा है। तो अभी हम यहाँ पे इस गेट को खोलते हैं। ओके, यहाँ पे गेट भाई खुल चुका है और यहाँ पे भाई बाहर तो माहौल एकदम से ठीक है, यहाँ पे ऐसा कोई सीन शॉट नहीं है। पहले ना मैं यहाँ पे लोकेशन देख लेता हूँ कि हमें भाई यहाँ पे जाना किस साइड पे है। तो ओके, यहाँ से हमें भाई पता चला है कि सामने जो टावर है ना हमें वहाँ पर जाना है, वहीं पर हमें यहाँ पे सैम मिलेगा और उसके बाद हम उसको यहाँ पे बचा पाएंगे उस गैंग से। तो हम फटाफट से यहाँ पे निकलते हैं भाई। यहाँ पे कुछ ज्यादा ही भीड़ हो रही है, पब्लिक यहाँ पे बिल्कुल आम है भाई, यहाँ पे कोई सीन शॉट नहीं है। तो मैं यहाँ पे फटाफट से निकलता हूँ, बट भाई निकलने की यहाँ पे जगह भी नहीं दिख रही है। आराम आराम से निकलते हैं यार, यहाँ से ना भाग भी नहीं सकते क्योंकि भाई ये कॉमन लोग हैं, इनके बीच में से यहाँ पे नहीं जा सकते। आराम आराम से यहाँ पे निकलता हूँ भाई। और यहाँ पे ना नीचे हमें शायद से कोई गाड़ी मिल जाएगी जिससे मैं वहाँ पे फटाफट पहुँच जाऊंगा। तो यहाँ पे आगे चलते हैं और आगे, ओ भाई यहाँ पे ना उनके गैंग के मेंबर कुछ यहाँ पे भी आ चुके हैं। तो पहले भाई हमें यहाँ पे इनको मारना होगा। चलो मैं यहाँ पे इनको भाई मारता हूँ, हमारे पास गन भी है तो पहले यहाँ पे इनको निपटाते हैं, उसके बाद ही जाना पड़ेगा। तो भाई उन गैंग के मेंबर को शायद से पता लग गया कि हम यहाँ पे सैम को बचाने जाएंगे, तो उन्होंने यहाँ पे हम पे अटैक कर दिया। तो पहले हमें यहाँ पे इनको मारना होगा। तो हम पहले यहाँ पे भाई कितने सारे बंदे हैं पहले तो मैं ये पता कर लूँ। चलो मैं यहाँ पे ना AKM मिल गई भाई, मेरी फेवरेट गन यहाँ पे मेरे को मिल चुकी है। और भाई यहाँ पे तो टैंक वैंक भी लेकर के आए हैं। तो भाई टैंक को पहले यहाँ पे ट्राई करता हूँ, इसका ड्राइवर का है भाई, मुझे ड्राइवर नहीं दिख रहा है। शायद से वो टैंक के ऊपर खड़ा हुआ और गोलियाँ चलाया जा रहा है। भाई यहाँ से कोई फायदा नहीं है, मुझे कुछ और प्लान भी यहाँ पे चलाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से ना भाई कुछ होगा नहीं। जैसे ही मैं खड़ा हो रहा ना उसका एम यहाँ पे मेरे ऊपर ही है। तो यहाँ पे चलो इस साइड से भी कुछ नहीं होने वाला भाई, दूसरी साइड चलते हैं, यहाँ से देखता हूँ। चल भाई इसको तो मैं हाथ से ही मारूंगा भाई, इसको गन का भी काम नहीं है, इसको हाथ से ही मार के निपटाता हूँ। और यहाँ पे भाई काफ़ी सारे बंदे मतलब चारों तरफ यहाँ पे फैले हुए हैं उनकी गैंग के बंदे, तो एक एक करके भाई निपटाना पड़ेगा यार। वो भाई इस साइड से तो भाई कहाँ कहाँ पर है यार, ये तो चारों तरफ से आ रहे हैं। चलो इस साइड के पहले बंदे निपटा दूँ। पीछे भी कोई आ गया यार, पीछे भी आ गया, पीछे आ गया, मुझे कवर में जाना होगा, आगे कहीं जगह दिख नहीं रही है। चलो यहाँ पे बैठ जाता हूँ। तो ये रहे भाई, ये से निकल यहाँ से। चलो इसको मैंने निपटा दिया है। एक और है भाई शायद से ना, वो कट्टों के पीछे एक और बंदा यहाँ पे छुपा है, उसको भी यहाँ पे मारता हूँ। चलो एक और शायद से निपट गया है। वो भाई बार बार ना वो कवर में चला जा रहा है, जैसे उसको यहाँ पे गोली पड़ती है ना वो यहाँ पे फटाफट से कवर में चला जाता है। चलो एक मर गया क्या भाई, एक तो पता भी नहीं चल रहा, वो दोबारा से खड़ा हो जाता है, एक उसके सर पे गोली लगती है वो दोबारा से यहाँ पे खड़ा हो जाता है। अब यहाँ के तो बंदे शायद से भाई निपट चुके हैं, अब बैक साइड में मेरे कुछ बंदे हैं शायद से। तो चलो भाई उसको यहाँ पे मारते हैं। और अब मुझे ना भाई पहले यहाँ पे लोकेशन पता करनी पड़ेगी कि हमें ना यहाँ से निकलना कैसे है। इसको भी चलो यहाँ पे भाई मारते हैं। चलो एक और, ये दो चार और है भाई, ये दो चार बच्चे गैंग है, इनको तो यहाँ पे निपटा दूंगा। बट जो आके टैंक है ना उससे हमें यहाँ पे बचना होगा। बट पहले ना भाई मुझे यहाँ पे लोकेशन पता करनी होगी कि हमें यहाँ से निकलना कैसे। और मुझे मेरी ना यहाँ पे जिप्सी खड़ी हुई है भाई बाहर की साइड, बट वो रास्ता ना मुझे अभी यहाँ पे पता नहीं चल रहा है। और हमें यहाँ पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि सैम के पीछे ना भाई अगर वो गुंडे यहाँ पे पड़ गए तो वो उसको यहाँ पे मार देंगे। मैं फटाफट से यहाँ पे भाई लोकेशन चेक करता हूँ कि हमें यहाँ पे जाना कहाँ से है। आगे जाके देखता हूँ भाई आगे से शायद कोई रास्ता हो यहाँ पे। ओके, तो ये सामने मुझे गेट दिखाई दे रहा है, शायद से इसके पार हमें जाना हो। बट भाई ये तो वही रास्ता है जहाँ से हम आए थे, यानी कि इसके अंदर से हम आए थे। और यहाँ पे भाई काफ़ी सारी भीड़ थी, तो लोग यहाँ पे अब सारे गायब हो चुके हैं, यहाँ से भी कोई रास्ता नहीं। भाई रास्ता आगे से ही जहाँ पे उन्होंने यहाँ पे कवर कर रखा है ना उनकी गैंग के बंदों ने, हमें शायद से वहीं से जाना है। यहाँ से भी ये भी गेट बंद है भाई, सारे गेट बंद है, आगे से ही जाना है यार। अब तो भाई यहाँ पे दिक्कत वाली बात हो गई है। और ऊपर चढ़ के देखता हूँ यहाँ से कोई रास्ता हो, नहीं भाई ये कोई रास्ता मुझे यहाँ पे दिख नहीं रहा है। तो हमें यहाँ पे ना पहले इनको यहाँ पे निपटाना ही पड़ेगा, उसके बाद ही हम यहाँ से आ सकते हैं। उससे पहले भाई हमें जाने भी नहीं देंगे। भाई यार ये जो टैंक है ना इसको मैं कैसे मारूं यार, नेट वेट करके देखता हूं, बट नेट से ही मुझे ऐसा लग नहीं रहा है कि यहां पे ज्यादा कोई फायदा होने वाला है। फेंक के देखता हूं भाई एक बार नेट, तो भाई नेट से फटेगा क्या यहाँ पे ट्रक, कुछ नहीं हुआ भाई उसे, मुझे ऐसा लग ही रहा है। वो भाई एकदम मतलब क्या ही मारूं यार उसके ऊपर, मेरे पास और कोई असला बारूद भी नहीं है जो मैं यहाँ पे उसके ऊपर मार दूँ। उसके ऊपर भाई जो ड्राइवर बैठा है ना वो मेरे अगर यहाँ पे हद तक चढ़ गया भाई उसको मैं यहाँ पे नहीं छोड़ूंगा, उसको तो मैं गिरा गिरा के मारूंगा। नेट से तो भाई कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा। और यहाँ पे इन्होंने मुझे देख भी लिया कि मैं यहाँ पे छुपा हुआ हूँ, इससे कैसे निकला जाए यार।
अभी मुझे यहाँ पे ना इसको इससे बच के मुझे पहले ना यहाँ पे रास्ता भी ढूंढना पड़ेगा भाई। कोई अच्छा सा कवर मिल जाए, पीछे से एक और बंदा आ गया, चलो इसको यहाँ पे निपटा देता हूँ। मुझे ना पहले कवर लेके ना भाई देखना पड़ेगा कि हमें यहाँ पे पहले जाना किस साइड है, और यहाँ पे भाई इस लकड़ी को भी ना फोड़ दिए यार। ये ऊपर बैठा हुआ है बट इसने ना अपने मुँह के आगे शील्ड लगा रखी है, इसलिए ना इसे एक भी गोली लग नहीं रही है यार। ये ना काफ़ी ज़्यादा दिक्कत कर रहा है। यहाँ पे कवर में खड़ा हो जाता हूँ भाई, जैसे ही मैं निकल रहा हूँ ना वो फटाफट से मारने को। ओके तो मुझे यहाँ पे रास्ता दिख गया भाई, सामने जो गेट है ना इसके अंदर से हमें शायद से निकलना है। तो मैं यहाँ से जाऊँ कैसे यार, जैसे ही मैं जाऊँगा ना वो टैंक यहाँ पे शायद से पीछे आ जाएगा, और उसने अगर कुचल दिया ना तो यहाँ पे भाई हमारा काम तमाम हो जाएगा। मैं फटाफट से भाई भागता हूँ अंदर पे। भाई यहाँ पर तो अंदर भी गैंग के बंदे यहाँ पे बैठे हुए हैं, चलो मैं आपको इनको निपटा देता हूँ। एक दो नहीं है यार, यहाँ पे तो काफ़ी सारे हैं। ऊपर निकलता हूँ और यहीं से ना भाई शायद से बाहर जाने का रास्ता हो। ओके तो ये रहा रास्ता यहाँ पे, फटाफट से हम यहाँ से निकलते हैं। भाई यहाँ पे और बंदे हैं, और बंदे भाई यहाँ पे और बंदे हैं। पहले यहाँ पे इसको निपटा हूँ, इसको भी भाई हाथ से ही मारता हूँ। और यहाँ पे कुछ गोलियाँ और मिल गई है, एक और आया, चलो इसको भी यहाँ पे निपटा देते हैं। इन सबको मार के ना यहाँ पे भाई फटाफट से यहाँ पे फिर निकलते हैं। भाई यहाँ पे तो कोई रास्ता नहीं है, मैं ऊपर यहाँ पे सोच रहा था कोई जीना होगा बट यहाँ पे जीना नहीं है। चलो भाई अब रास्ता शायद से मुझे मिल जाएगा यहाँ से निकलना है। ओके भाई मुझे यहाँ पे अपनी गाड़ी दिख गई है, तो मैं यहाँ पे फटाफट से निकलता हूँ। टैंक वाला भाई काफ़ी अग्रेसिव हो रहा है, हमें यहाँ पे जिप्सी मिल गई है तो फटाफट से यहाँ पे निकलते भाई। उस जिप्सी वाले से वो जो टैंक वाला था ना, मुझे ऐसा लग रहा था भाई आज वो हमें यहाँ पे छोड़ेगा ही नहीं, और हम यहाँ पे सैम के पास भी नहीं पहुंच पाएंगे। बट अब फटाफट से भाई यहाँ पे बिना टाइम, भाई यहाँ पे पूरे रास्ते में भाई इन्होंने अपनी पूरी मतलब यहाँ पे मंडली सजा रखी है, बट हमें यहाँ से इनसे बचते बचाते निकलना होगा। और अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे भाई रास्ता क्लियर है, अब यहाँ पे वो नहीं आने वाले हैं। और अब मैं फटाफट से भाई निकलता हूँ यहाँ पे सैम को बचाने के लिए, इससे पहले कि ओ भाई ये तो टैंक भाई बिल्कुल रास्ते के बीच में ही ले आया है। मुझे इस टैंक से बचना होगा भाई, क्योंकि ये टैंक ने अगर यहाँ पे गोलियाँ चलाना शुरू कर दी ना तो हमारी यहाँ पे गाड़ी ब्लास्ट भी हो सकती है। भाई ये तो जहाँ जा रहा हूँ ना यार वहीं पर आ जा रहा है। मुझे पतली पतली गलियों से निकलना होगा, क्योंकि इसका ना थोड़ा यहाँ से डिस्ट्रैक्शन करना होगा तभी हम यहाँ से निकल सकते हैं। पतली पतली गलियों से निकलूंगा ना वहाँ पे इसका भाई ये टैंकर आ नहीं पाएगा। चलो भाई एक और यहाँ पे गलियाँ दिख रही है, बट ये भाई गाड़ी अगर कहीं जाके ठुक गई और वहाँ पे टैंकर आया ना तब हमारे यहाँ पे हो जाएगी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत। तो गाड़ी ना भाई बिल्कुल भी रुकनी नहीं चाहिए, जहाँ भी रास्ता दिखेगा ना मैं यहाँ पे घुसा दूंगा। और यहाँ पे भाई कुछ कपड़े पड़े हुए तो सारे मैंने उड़ा दिए फड़ फुड़ के, और निकलना होगा भाई यहाँ पे निकलना होगा, क्योंकि यार कहीं भी रुके ना। ओ भाई यहाँ पे गाड़ी जो मैं चाहता था यहाँ पे ना हो वही हुआ, बैक लेता हूँ फटाफट से मैं आगे से निकलता हूँ। सीधे निकलना होगा तो भाई दिक्कत होगी, यहाँ पे फिर पतली गली से ही मैं यहाँ पे निकलता हूँ। पतली पतली गलियों से जाऊँगा ना शायद से मैं निकल जाऊँगा, बट भाई कहीं मैं ना यहाँ पे रास्ता ना भटक जाऊँ। मुझे अभी भी यहाँ पे एक्यूरेट पता नहीं है कि हमें यहाँ पे जाना कहाँ से है। भाई ये रास्ता तो बंद है, ये बंद है, बैक लेता हूँ। बट यहाँ पे भाई वो गोली चलाना रोक ही नहीं रहा, गाड़ी का हाल देखो भाई, पूरा शीशा यहाँ पे डैमेज कर दिया है। बट यहाँ पे मैं निकलता हूँ भाई, कहीं से तो हमें यहाँ पे निकलना पड़ेगा। तो ये मुझे कोई कच्चा बाजार सा दिख रहा भाई, यहाँ पे पूरा बाजार लगा हुआ है, इसमें अफरा तफरी यहाँ पे मचा देते हैं। यहाँ से निकलते भाई सारे फ्रूट वाले भी रेडी वगैरह सबको हमने यहाँ पे उड़ा दिया है। और गेम के ना भाई ग्राफिक काफ़ी सही लग रहे हैं यार, मतलब जितना मैंने इस गेम के बारे में सुना था ना बिल्कुल भाई वैसी ही गेम है। इसकी ग्राफिक और स्टोरी वगैरह काफ़ी बढ़िया लग रही है मुझे। तो अभी मैं यहाँ पे निकलता हूँ भाई, मेन रोड पे हम आ चुके हैं। अभी तक तो मुझे यहाँ पे टैंकर दिख नहीं रहा है, पर भाई कितनी सारी गाड़ियाँ हैं यार, ढंग से ना मतलब मुझे गाड़ी भी नहीं चलाने दे रहे यहाँ पे। और भाई ये टैंकर खड़ा हुआ है, अब हमें कहाँ जाना। ओके तो हमें ना भाई यहाँ से राइट से निकलना है, इस टैंक से बचना होगा यार, हमारी गाड़ी ब्लास्ट भी कर सकती है किसी भी टाइम। चलो हम यहाँ से निकल चुके हैं भाई। अब मुझे लग रहा है ना कि यहाँ पे वो टैंक से हमारा यहाँ पे पीछा छूट चुका है, अब तो शायद से वो टैंक भाई हमारे पीछे नहीं आएगा, क्योंकि हम भाई काफ़ी ज़्यादा आगे आ चुके हैं और यहाँ पे उस टैंक के आने का मतलब तो शायद ही नहीं है। तो मैं फटाफट से यहाँ पे देखता हूँ भाई कहाँ से रास्ता जा रहा है। तो हमें यहाँ पे नीचे ही जाना है, उसके बाद हम यहाँ पे सैम के पास पहुँच जाएंगे, उस टावर के पास हमें जाना है। अभी भी भाई यहाँ पे काफ़ी सारा रास्ता, बस बीच में ना भाई कोई और गैंग वगैरह के बंदे ना मिले तो यहाँ पे ज़्यादा बढ़िया होगा। अब यहाँ से निकलते हैं भाई फटाफट से। ओ ओ ओ भाई यहाँ पे भाई रास्ते में काम चल रहा है, शायद से सीवर का काम चल रहा है। तो मैं यहाँ पे ऊपर से निकलता हूँ, तो हमारी ये गाड़ी 4x4 है, यानी कि 4x4 व्हीलर वाली कार है, तो यहाँ पे ज़्यादा कोई दिक्कत होगी नहीं जिप्सी में। फटाफट से हम यहाँ पे निकलते हैं भाई साहब, यहाँ पे हम निकल चुके हैं। यहाँ पे रोड पे भले काम चल रहा था बट हमने यहाँ पे गाड़ी को ऊपर से जाके निकाल लिया है। अभी चलते हैं भाई हम यहाँ पे सीधे, अभी तो ना रास्ता मुझे भाई यहाँ पे क्लियर लग रहा है। वो भाई ये टैंक है या क्या है यार, जहाँ भी जा रहा हूँ ना ये वहीं पर आ जा रहा है। जब भी मैं कहीं जाने की कोशिश करता हूँ भाई ये उसी जगह पर आ जाता है, कैसे आ रहा है ये मुझे नहीं पता। भाई गाड़ी बसना यार यहाँ पे रुके ना। और भाई ये क्या चल रहा है, मतलब भाई घर के ऊपर, भाई साहब क्या ही सीन चल रहा है यहाँ पे, मतलब घर के ऊपर हमारी यहाँ पे जिप्सी चल रही है।
और अभी मुझे है ना यहाँ पे भाई टावर दिख गया जहाँ पे हमें जाना था, शायद से अब हमें सैम मिल जाएगा। और यहाँ पे बस भाई हमने सैम को आज बचा लेना है कुछ भी करके। तो टावर के पास हम आ चुके हैं। ओके तो ये रहा भाई सैम, और इसके पीछे देखो भाई यहाँ पे गैंग के पूरे बंदे लगे हुए हैं और हम यहाँ पे फटाफट से उसको बचाना होगा भाई। उसके पीछे तो भाई ट्रक वगैरह काफ़ी सारे बंदे एक बंदे के पीछे लगा रखे हैं यार, तो हमें ना उसको ओवरटेक करना होगा और आके से उसको पकड़ना होगा इससे पहले कि यहाँ पे वो सैम को पकड़ ले। नैथन को भी यहाँ पे स्पीड बढ़ानी होगी, तो हम फटाफट से चलते हैं भाई, उसको आगे से ओवरटेक करना पड़ेगा कि पीछे जहाँ हम उसको यहाँ पे पकड़ नहीं पाएंगे। और अभी हम यहाँ पे कच्चे रास्ते में हैं, वो अभी यहाँ पे फ्लाई ओवर के ऊपर है, तो हमें यहाँ पे जाना होगा भाई फटाफट से। तो मैं आपसे निकलता हूँ भाई कच्चे रास्ते से होते हुए ही, बट भाई आगे से रास्ता तो बंद है यार, कैसे जाएंगे हम, उससे पहले यहाँ पे पहुँचना होगा। अभी चलता हूँ भाई, यहाँ से रास्ता मुझे ठीक लग रहा है, तो आगे जाके शायद से ना हम उसको ओवरटेक कर देंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे भाई रोड होगा, पक्का होगा, पर भाई यहाँ पे भी रोड नहीं है, यहाँ पे भी कच्चा ही रास्ता है और ऊपर जाने का रास्ता यहाँ से भी नहीं है, तो आगे से ही ट्राई करना पड़ेगा भाई। और यहाँ पे ना सैम के पीछे तो वो ऐसे लगे हुए भाई जैसे वो पता नहीं क्या है यार, एक दो बंदे ही पकड़ लो कोई बात नहीं, यहाँ पे तो पूरी गैंग लगा रखी है। और यहाँ पे गाड़ी ना ठुके मेरी भाई, यार यहाँ पे गाड़ी ठुक गई, जिस चीज़ का मैं सोच रहा था ना वही हुआ यहाँ पे भाई। इस मिशन यार शायद से यहाँ पे फेल हो चुका है, कोई नहीं, हम यहाँ पे दोबारा ट्राई करेंगे। और अभी यहाँ से निकलता हूँ, यहाँ से रास्ता है, बट यहाँ पे भाई टाइम हो गया, मतलब वो बंदे ना हमसे काफ़ी ज़्यादा आगे निकल चुके हैं। कोई बात नहीं, हम दोबारा अब यहाँ पे मैं ये गलती नहीं करूँगा, मैं फटाफट से भाई लेफ्ट हो जाता हूँ, लेफ्ट वाले रास्ते से ना यहाँ से सीधे निकलूँगा और उसके बाद ही हम यहाँ पे उसके ऊपर बचाएंगे यहाँ पे रोड के ऊपर जा करके। तो भाई यहाँ पे ना ये मेरे को ये क्रेन सी दिख रही है और शायद से मुझे इसके ऊपर चढ़ना होगा, तो यहाँ पे इसके ऊपर चढ़ना है। मैं फटाफट से यहाँ पे रस्सी फेंकता हूँ, ओ भाई भाई टक्कर ना हो जाए, इसे टक्कर हो गई तो यहाँ पे भाई नैतना काम हो जाएगा बचाने की जगह ना, यहाँ पे भाई हमारा ही सीन शॉट हो जाएगा। मुझे ना यहाँ पे ऊपर जाना है भाई, ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है यार, यहाँ पे ना काफ़ी ज़्यादा मतलब एक तो गाड़ी मूवमेंट में है ना, तो हम यहाँ पे बिल्कुल भी मतलब स्टेबल नहीं हो पा रहे भाई। ये बच गया भाई, मुझे ऐसा लगा ना यहाँ पे नैथन जाके उससे चिपक जाएगा और यहीं पे उसका काम तमाम हो जाएगा, बट अब यहाँ पे बच गए हैं। और भाई ये घसीटते हुए लेके जा रहे हैं मुझे ना भाई, उस ट्रक पे चढ़ना है फटाफट से, ये ट्रक के ऊपर मुझे चढ़ना होगा भाई, अगर यहाँ पे मुझे अपनी भी जान बचानी है ना, सैम की तो यहाँ पे बाद में जान बचेगी, बट पहले अगर हम यहाँ पे अपनी जान बचानी है तो मुझे ट्रक के ऊपर फटाफट से चढ़ना पड़ेगा। बट ये तो भाई कीचड़ में से घसीटता हुआ लेके जा रहा है हमें, फटाफट से मैं भाई इसके ऊपर चढ़ने का ट्राई करता हूँ, बट कोशिश कर रहा हूँ यार यहाँ पे, बट ना रास्ता यहाँ पे इतना स्लिपी है कि हम ना इसके ऊपर यहाँ पे चढ़ नहीं पा रहे हैं। और भाई गैंग के मेंबर, उसके ऊपर भी एक बंदा है, चलो उसको मैंने यहाँ पे निपटा दिया है। चलो भाई यहाँ पे, ओ भाई मैं चढ़ गया था यार, पूरा यहाँ पे मैं चढ़ गया था गाड़ी के ऊपर, बट यहाँ पे पैर स्लिप हो गया और दोबारा से हम यहाँ पे नीचे आ चुके हैं। एक बार फिर ही मैं यहाँ पे ट्राई करता हूँ। चलो भाई अब यहाँ पे मैं चढ़ चुका हूँ इसके अंदर ना भाई, चलो यहाँ पे भाई गन भी मिल गई है। और अब इन्हें बताता हूँ भाई, ये ना काफ़ी टाइम से ना मेरे ऊपर यहाँ पे गोलियाँ चलाए जा रहे हैं। अब आ जाओ भाई, कौन सा आएगा भाई, यहाँ पे तोड़ दिया इन्होंने, गेट ही तोड़ दिया। चलो इस जिप्सी वाले को पहले यहाँ पे उड़ाता हूँ। और भाई यहाँ पे कितने बंदे हैं यार, कहाँ कहाँ मारूँ मैं, मतलब जहाँ भी देखो ना वहीं पे इनकी गैंग के बंदे दिखाई दे रहे हैं। इनकी गैंग ना भाई यहाँ पे कोई छोटी मोटी गैंग नहीं है, काफ़ी सारे बंदे हैं। बाइक वाले को निपटाता हूँ भाई आगे वाला, चल भाई यहाँ पे गया वो भाई, पीछे वो जिप्सी भी उड़ गई भाई। और ये खेतों में से हम जा रहे हैं और यहाँ पे जिप्सी वाले को उड़ाऊँ यार, इसके पीछे जो बंदा है ना, मतलब ड्राइवर इतना भाई मतलब गोलियाँ नहीं चलाता, यहाँ पे जो इसके पीछे बंदा बैठा ना वो ज़्यादा चलाता है, इसको पहले ना भाई उड़ाता हूँ। गोलियाँ भी यहाँ पे भाई मेरी ख़त्म हो रही है, मुझे गोलियों का भी ध्यान रखना होगा, यहाँ पे गोलियाँ ख़त्म हो जाए। और भाई हमारी ये गाड़ी जल चुकी है, मुझे अगली गाड़ी पे यहाँ पे जंप करना होगा, फटाफट से मैं जंप करता हूँ भाई अगली गाड़ी पे। चलो हम यहाँ पे अगली गाड़ी पे आ चुके हैं, इसको ही मार के मैं यहाँ पे गिरा देता हूँ। और अब यहाँ से भाई गाड़ी का भी ना मुझे पता चला भाई कि गाड़ी का भी ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे ना ये जो गोलियाँ चला रहे हैं ना भाई हमारी गाड़ी पे ही लग रही है, और यहाँ पे वो गाड़ी भी ब्लास्ट हो जाती है, तो मैं उस गाड़ी को भी यहाँ पे ध्यान रखना होगा इनको मारने से पहले। चल भाई इसको और निपटा दूँ, भाई कितने बंदे यार आए जा रहे हैं, मैं मारे जा रहा हूँ और यहाँ पे आए जा रहे हैं इसी गाड़ी को पहले। चल भाई चल बैठे चल चल चलो चलो भाई, यहाँ पे इसकी भी गाड़ी निकल चुकी है। ओके तो ये सैम है भाई, आगे वाला ग्लू शर्ट में सैम है, सैम को हमें यहाँ पे नहीं मारना है। एक और को यहाँ पे मार दिया है, साइड से और बंदे आ रहे हैं, और आ रहे हैं, एक और गया, एक और गया, एक और जिप्सी आ गई भाई, भाई कितनी जिप्सी है आज। चलो इसको भी मार दिया यार, आ रहे हो ना यहाँ पे, तो एक ही बार आ जाओ ना, मतलब यार ये एक एक करके आ रहे हैं, बार बार मारे जा रहा हूँ, एक एक करके आ रहे हैं भाई। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब रास्ता यहाँ पे खाली है, रास्ता यहाँ पे पूरा खाली हो चुका है, तो अभी मेरे पास ना ये, ओ भाई ये इस गाड़ी में भी भाई आग लगने वाली है, इस गाड़ी से भी हमें यहाँ पे जंप करना होगा, बट मेरे अगल बगल में तो भाई गाड़ी नहीं है, मैं यहाँ पे जाऊँ कहाँ, अगर मैं इस गाड़ी से यहाँ पे निकलूँगा ना तो यहाँ पे भाई कहीं मैं गिर ना जाऊँ। इसको भी मैं यहाँ पे ब्लास्ट करके उड़ा दिया भाई, इस गाड़ी को भी मैंने यहाँ पे उड़ा दिया है। फिलहाल तो अभी हमने यहाँ पे पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करे हुए हैं भाई सैम को, बट आगे भाई हमारी इस गाड़ी में आग लगने वाली है। मुझे फटाफट से ना भाई कोई गाड़ी देखनी होगी यहाँ पे जिसके ऊपर मैं जाऊँ। चलो ये गाड़ी मुझे दिख गई है,
फटाफट से भाई मैं इस गाड़ी के ऊपर जाने का यहाँ पे ट्राई करता हूँ। भाई गाड़ी में आग लग गई, चलो भाई सही टाइम पे हम उस गाड़ी से यहाँ पे निकल गए, वरना यहाँ पे वो ब्लास्ट हो जाती और हमारा काम यहाँ पे हो जाता। और भाई ड्राइवर मान नहीं रहा था, मैंने यहाँ पे लात मार के इसको नीचे गिरा दिया है। और अब यहाँ पे मिल गई है भाई हमें यहाँ पे जिप्सी मिल गई है। और अब भाई ये चीज़ मतलब जिप्सी चलाने, जिप्सी चला के इनको ठोकने में ना अलग ही मजा आएगा। तो एक भाई को हल्क होता है यहाँ पे मैंने टक्कर मार के गिरा दिया है। बट भाई अभी जिप्सी के ऊपर गोली चला रहे हैं, बट इससे मैं बच सकता हूँ यार, ट्रक का जो कंट्रोल था ना वो मेरे हाथ में नहीं था। एक और भाई जिप्सी गई यहाँ पे टक्कर मार के, उसको मैंने यहाँ पे गिरा दिया है। ट्रक का जो कंट्रोलर था ना वो मेरे हाथ में यहाँ पे नहीं था, बट जिप्सी को मैं खुद चला सकता हूँ और जिस मर्जी को यहाँ पे टक्कर मार सकता हूँ। तो भाई रास्ते यहाँ पे ठीक नहीं है, तो गाड़ी ना काफ़ी ज़्यादा स्किड हो रही है यार यहाँ पे। ओके तो हमें L2 दबा के शायद से उस ट्रक पे दोबारा से जाना है। तो मैं ट्रक के पास जाता हूँ और ट्रक के ऊपर चढ़ने का ट्राई करता हूँ, फिर दोबारा यार को घसीटने वाला सीन हो जाता ना। इस चीज़ में भाई काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है, कीचड़ में भाई पूरे एक तो कपड़े गंदे हो रहे हैं और यहाँ पे ना नेथर को डैमेज भी शायद से पड़ रहा होगा। और ऊपर एक और बंदा भाई ट्रक के ऊपर, दो बंदे भाई। पहले एक को मार के यहाँ पे नीचे गिराता हूँ, चल भाई पहले तू नीचे आ यहाँ पे तू निकल, दूसरे को भी पहले यहाँ पे भाई मारता हूँ, उसके बाद यहाँ पे चलते हैं हम ट्रक के ऊपर। आजा आजा चलो उसको अभी मार दिया, इसकी भी ना यहाँ पे कुछ गोलियाँ मिल जाएगी भाई, चलो बढ़िया है। और अब भाई यहाँ पे बंदे आखिर बचे कितने भाई समझ नहीं आ रहा है, हमने कितने बंदों को यहाँ पे निपटा दिया, बट यहाँ पे एक एक करके और आए जा रहे हैं। ये एक और गया, एक और जिप्सी वाले को यहाँ पे निपटाते हैं भाई। इसकी गाड़ी में से धुआं निकल चुका है, एक दो गोली पड़ते ही ये भी गया। और अब ये इन बाइक वाले को भी निपटाते हैं, इसको भी गया। और ये एक जिप्सी वाला है, इनको भी निपटा देते हैं यहाँ पे। तो अब भाई इसके बाद तो शायद से अब किसी को नहीं आना चाहिए, और बहुत देर से यहाँ पे बंदों को मारे जा रहा हूँ। और अब मेरे ना यहाँ पे भाई हाथ भी थक गया जॉयस्टिक को पकड़ते पकड़ते, और अभी बंदे यहाँ पे ख़त्म होना शुरू नहीं हुए हैं भाई। चलो ये हमारा सैम है, इसको हमें यहाँ पे नहीं मारना है। पीछे से कोई और आ रहा है क्या? नहीं भाई अभी तो रास्ता मुझे, ओ भाई साइड में फिर आ गया। चलो कोई नहीं, इसको भी यहाँ पे निपटा देते हैं। एक और गाड़ी गई, अब तो कोई नहीं आना चाहिए ना भाई। अब बिल्कुल बहुत देर हो गई यार मारते मारते, कितने बंदे हमने यहाँ पे मार दिए हैं। और अभी इस गाड़ी में भी भाई आग लगने वाली है, मुझे फटाफट से यहाँ पे कूदना होगा। और भाई आसपास कोई गाड़ी नहीं है, मैं किस गाड़ी में जाऊँ। चलो यहाँ पे भाई बगल में एक जिप्सी आ चुकी है, दोबारा से हम इसके ऊपर चढ़ते हैं। चल भाई पहले तू निकल, ओ भाई ये इसे गिराना देता, मुझे ऐसा लगा ना ये कहीं यहाँ पे भाई मुझे गिराना दे। ड्राइवर को भी यहाँ पे बाहर फेंकता हूँ। और अब दोबारा से हमारे हाथ पे कंट्रोल में आ गई है यहाँ पे जिप्सी। तो अब भाई फिर आ चुके हैं यहाँ पे बाइक गैंग के मेंबर। ओ ये कौन था भाई? भाई स्पाइडरमैन की तरह आ किया है यहाँ पे, हमारी गाड़ी के ऊपर चढ़ गया है। अभी इसके मुक्के देता हूँ, पहले गाड़ी रोकता हूँ पहले यहाँ पे। तू निकल यहाँ से। पर भाई गाड़ी रोकने के चक्कर में ना वो बंदे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आगे जा चुके हैं, मुझे उनके पीछे करना होगा भाई। कच्चा रास्ता है ना, एक तो यहाँ पे दिक्कत हो रही है भाई, गाड़ी ना यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्किड मार रही है। और वो कहाँ गए भाई? चलो यहाँ ये रहे, और यहाँ पे सैम के पीछे लगे हुए। रुक अभी बताता हूँ, अभी इस गाड़ी वाले को यहाँ पे गिराता हूँ भाई। गाड़ी के मैं भाई ये फिर चिपक गया स्पाइडरमैन की तरह, इसको भी देता हूँ। बट भाई गाड़ी रोकने के चक्कर में ना स्पीड कम होती है ना, तो यहाँ पे सैम काफ़ी ज़्यादा आगे निकल जाता है। और हमें यहाँ पे गाड़ी उसके बराबर ही रखनी होगी, क्योंकि हम उससे ज़्यादा पीछे रह गए ना, तो यहाँ पे ये मिशन फिर से फेल हो सकता है भाई। हमें यहाँ पर आज हम आए हैं सैम को बचाने के लिए, और यहाँ पर भाई सैम को हमें बचाना होगा। सो सैम ये रहा, तो हमें भाई इसको यहाँ पे गाड़ी के अंदर बुला लेना है। बट भाई वो कैसे आएगा यार यहाँ पे इसके अंदर? यहाँ पे ना पूरी गाड़ी को एक बराबर रखना होगा उसके, तभी यहाँ पे वो अंदर आ पाएगा यहाँ। ओके तो यहाँ पे भाई गाड़ी को बराबर रखना होगा यार, यहाँ पे गाड़ी आगे पीछे हो जाएगी ना तो यहाँ पे बात नहीं बन पाएगी। मैं फटाफट से यहाँ, ओ भाई यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया भाई, यहाँ पे उसको बचाने की जगह ना यहाँ पे टक्कर हो गई है। और नैथन अभी भाई यहाँ पे ट्रबल में, बिल्कुल यहाँ पे गाड़ी पे तगड़ा एक्सीडेंट हो गया है। और अभी यहाँ पे ना भाई निकलना होगा, इस गाड़ी का गेट खोल के फटाफट से यहाँ पे निकलना होगा, इससे पहले कि वो भाई यहाँ पे गाड़ी में आग लग गई। मैं बोलने ही वाला था कि यहाँ पे गाड़ी में आग लग जाए, उससे पहले हम यहाँ पे निकलना होगा। ये सीट भी नहीं उठ रही है यार, पीछे वाला गेट मुझे यहाँ पे खोलना होगा फटाफट से। मैं यहाँ पे ट्राई करता हूँ भाई, यहाँ पे पूरे इंजन में वगैरह में आग लग चुकी है, बोनट में भी आग लगी है। और आग ना ये पूरी भाई अंदर तक फैलती जा रही है, और यहाँ पे भाई अब काफ़ी ज़्यादा हीट होने लग गई है। हमें यहाँ पे निकलना होगा भाई, अगर हम यहाँ पे लेटे रहना तो ये गाड़ी यहाँ पे ब्लास्ट हो जाएगी, और फिर हम यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पाएंगे। मैं पीछे से ट्राई करता हूँ, ये वाला गेट शायद से खुल जाएगा। और भाई बाहर ना शायद से कोई दो बंदे भी खड़े हुए हैं, बट पहले मैं यहाँ पे ट्राई करता हूँ भाई गेट को खोलने का। मुझे ना बाहर से भाई कुछ आवाज़ आ रही है, मैं पक्का बता रहा हूँ बाहर कोई बंदे हैं। गेट खोलता हूँ, बट पहले भाई अपनी गन यहाँ पे मैं हाथ में ले लूँ, क्योंकि बाहर जो बंदे खड़े हैं ना वो मेरा ही वेट कर रहे हैं कि मैं गेट खोलूँगा और मार देंगे। चलो एक को मैंने यहाँ पे निपटा दिया है, दूसरे को भी यहाँ पे निपटा दिया है, दोनों को बंदे को यहाँ पे निपटा दिया। और गाड़ी से पहले कि यहाँ पे भाई ब्लास्ट कर जाए, मैं यहाँ पे फटाफट से भाई गाड़ी के बाहर निकलता हूँ। और ये ट्रक भाई, ट्रक नहीं यार ये टैंक एक बार फिर से यहाँ पे आ चुका है। और सैम आया भाई इस बार, हम यहाँ पे सैम को बचाने आए थे, बट यहाँ पे अब सैम हमको बचाने के लिए आ गया है फाइनली अपनी बाइक लेकर के। तो फटाफट यहाँ पे उसकी बाइक में बैठ गए, बट भाई ट्रक वाला ना हमें यहाँ पे कुचलने को देख रहा है। सैम ने मुझे गन दी है भाई, इस गन से मुझे लग नहीं रहा कि यहाँ पे इस ट्रक मतलब ये टैंक पे कोई गोली मार के फायदा होने वाला है। बट भाई
गन चलाने से ना यहाँ पे टैंक वाला ना कुछ ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, मतलब वो ढंग से ना आता अपनी जितनी ट्रक जो भी टैंक है यार ये तो बार बार इसको ट्रक ट्रक बोलता हूँ, ट्रक जैसा ही मुझे दिख रहा है ये यहाँ पे ना कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, उसका जो बॉनेट है ना उसको यहाँ पे डैमेज पड़ रहा है, यहाँ पे गन से तो फायदा हो रहा पड़ता है, यहाँ पे हल्की सी भी चूक अगर हुई उसने टक्कर मारी तो यहाँ पे हमारा काम खत्म हो जाएगा। और अभी भाई वो बिल्कुल कोई अंदर ड्राइवर उसके ऊपर बैठा हुआ है, जहाँ भी वो दिख रहा है ना भाई वहाँ पे वो गाड़ी इसको ठोके जा रहा है और यहाँ पे हमारे को मारने का ट्राई कर रहा है। निकलना होगा भाई यहाँ से, निकलना होगा, अगर उसने यहाँ पे ठोक दिया ना वो गाड़ी वैसी ब्लास्ट होने वाली है। ओके तो यहाँ पे भाई ब्लास्ट हो गई और फाइनली हम जरा जरा से यहाँ पे बच गए। फाइनली भाई फाइनली हम यहाँ पे ट्रक टैंकर जो भी है यार ये ट्रैक्टर इससे हम यहाँ पे बच चुके हैं और हम दोनों ये दोनों भाई सैम और नैथन यहाँ पे बच चुके हैं। तो बस भाई लोग आज की वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको अनचार्टेड 4 की वीडियो पसंद आई होगी, अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक कर देना, ख्याल रखिए अपना, बाय बाय गाइज, मिलता हूँ आपसे जल्द एक और नई वीडियो में।